बॉम्ब डिटेक्टर दीप का है, इसका मतलब हथियार यही होंगे। कहाँ जा रहे हैं साहेब? अरे पहले आप बताइए कि आप इतने रात गए कहाँ जा रहे हैं? रात? अब तो भोर हो गई है, हम पानी भरने जा रहे हैं। पानी भरने को जा रहे? कुआं तो उधर है ना? वो क्या है, कुआं सूख गया है इसलिए हम झील की ओर जा रहे हैं पानी भरने। पर पहले आप लोग बताइए कि आप लोग अनाज के गोदाम में क्या कर रहे हैं? ये अनाज का गोदाम है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी तस्वीरें मिल जाएंगी। अरे गोदाम में तो ताला लगा है और उसकी चाबी सरपंच जी के पास है। ताला लगा हुआ है तो मैं तस्वीरें कैसे खींचूंगी? अगर आपको अच्छी अच्छी तस्वीरें चाहिए तो आप हमारे साथ झील पर चलिए, आपको वहाँ पर उगते हुए सूरज की और बहुत सारे पक्षियों की तस्वीरें मिलेंगी। चलिए 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 चलिए। ये सिर्फ अनाज का गोदाम नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। सब कुछ गड़बड़ है, हमें यहाँ वापस आके देखना पड़ेगा कि गड़बड़ क्या है। Exactly. मनीषा पुत्र, कैसी तबीयत है तेरी? तबीयत? हाँ, कल रात को ठीक नहीं थी ना, नींद नहीं आई थी ना? जी अब हम बिल्कुल ठीक हूँ, शाहीन की जड़ी बूटी काम कर गई। पुत्र तू कितने सालों तक ये जड़ी बूटी के सहारे रहेगी? मतलब ये कि तेरी बीमारी का सबसे बड़ा इलाज है बच्चा। बच्चा? अब तू सोच के देख, एक बच्चा बगल में, एक गोदी में, तीसरा बिस्तर पे, सारा दिन किसी की नाक पोछेगी, किसी की जड्डी बदलेगी, किसी को दूध पिलाएगी, इतना थक जाएगी कि जब रात में बिस्तर पे गिरेगी ना फट से नींद आ जाएगी। नहीं नहीं जी, अभी बच्चा नहीं, अभी अभी तो शादी हुई है, बच्चे के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। भाई वाह, अच्छी बहानेबाजी चल रही है। शाहीन, अरे इतने ताजे बेर? जंगल से तोड़कर लाई हूँ, पूरे एक दिन की मेहनत है ये, मेरे चाचू को बहुत पसंद है। अगर आप लोग खाएंगे ना तो आप भी जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। तब तो इन्हें अभी खाना चाहिए। हाँ वैसे बात को घुमाने का अच्छा तरीका है ना? अब जो बात चल रही थी उसे पूरी तो होने दीजिए। कौन सी बात? अरे नन्हे मुन्ने बच्चे वाली बात, और कौन सी? अरे पुत्र, ये आजकल की नस्ल है ना, ये लोग शादी तो कर लेंगी लेकिन बच्चे पैदा नहीं करेंगे। अरे इन्हें क्या पता कि बच्चे की एक किरकारी से सारा घर रोशन हो जाता है। अरे पति पत्नी में प्यार बढ़ता है। और क्या, बच्चे तो अल्लाह की देन होती है और मुझे मुझे तो बच्चे बहुत ही पसंद है। अच्छा तो तुम भी जल्दी से शादी कर लो। क्यों मजाक कर रही हो मनीषा, एक अंधी लड़की से कौन शादी करेगा? सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती और कोई जरूरी नहीं कि जिसे जो अच्छा लगे वो उसे मिल जाए। मेरे लिए तो बस इतना ही बहुत है, चाचू चाची का प्यार मुझे मिला, रहने के लिए घर मिला, इतना सुंदर गांव मिला, इतनी उम्र काटी है, आगे भी कट जाएगी। क्या हुआ, इतना सन्नाटा क्यों है? अरे आप लोग इतने चुप क्यों हैं, क्या हो गया? कोई बात नहीं पुत्र। अच्छा ये बता, शाहीन से मिले कि नहीं? और शाहीन ये है करण, मैंने तुमसे कहा था ना? हाँ हाँ, आदाब। ओ नमस्ते। चाची जी अब हम चलेंगे। अरे इतनी जल्दी क्या है, चाय तो पीती जाओ। हम जरूर रुकते मगर हमें कुछ काम है। बड़ी प्यारी बच्ची है। जी आप यहाँ कैसे? अनुषा को ढूंढ रहे हैं? नहीं मैं आपके पतिदेव को ढूंढने आया था। पुत्र ये सब बातें तो होती रहेंगी, चाय पियोगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल, आपके हाथ की चाय।
मैं अभी लेके आती हूँ। गाँव से दूर, गाँव की इन्फॉर्मेशन वीर सर को देने के लिए। तुम बताओ क्या हुआ, अभिमन्यु से क्या कहा? That's right, sir. Yeah. मैं आपको आगे की खबर देता रहूंगा। Signing out, sir. सुंदर घोड़ा है आपका, बहुत सुंदर घोड़ा। कहां से लेके? हम तो सिर्फ घोड़े के बारे में बात कर रहे हैं ना। देखिए आप ही नीचे, ये देखिए चल जाएगा, नीचे रखिए। अरे तनिक नीचे रखिए ना, इसे ऐसे मत कीजिए जरा नीचे। अच्छा हम जाते हैं, हम जाते हैं, जाते हैं, जाते हैं। मत वरना गोली मार दूंगा। कौन है तुम और यहाँ पे क्या करे हो? जल्दी। अनाज का वास्ते रिस्क बरगदुल अजीज। अनाज के वास्ते आए होते तो ये गन क्या करेगी तेरे पास? जल्दी बोलो। रहम करो, रहम करो, रहम करो साहब, रहम करो। अभी जल्दी से बोल, पांच करूंगा बस। रहम, एक, दो, तीन, बोल दे, चार।